दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात करेंगे। साइंस का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। इस टॉपिक में दोस्तों हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों की, जो कि है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि की बात करेंगे। दोस्तों काफी क्वेश्चंस निकल के आते हैं इन अंतःस्रावी ग्रंथि के टॉपिक से, तो आज इस वीडियो को हम अच्छे से समझेंगे और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ग्रंथियां क्या होती है हमारी बॉडी में, ग्लैंड्स क्या होता है। तो बॉडी के वे पार्ट्स होते हैं जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। अब ये रासायनिक पदार्थ क्या है, तो रासायनिक पदार्थ है एंजाइम और हार्मोन्स। तो हमारी बॉडी में कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जो एंजाइम का उत्सर्जन करेगी और कुछ ऐसी हैं जो हार्मोन्स का उत्सर्जन करती हैं। उसी के बेसिस पे इसको क्या करा गया है, ग्रंथियों को कैटेगराइज किया गया है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि बोला गया है और अंतःस्रावी ग्रंथि बोला गया है। तो देखते हैं दोस्तों ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्त्रावण करती है उसको क्या बोलते हैं, हम अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और कुछ ग्रंथि ऐसी हैं जो एंजाइम का स्त्रावण करती है उसको क्या बोलेंगे, हम बाह्यस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है हमारी बॉडी में, मैं आपको बताता हूं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि, ये जो ग्रंथियां होती हैं ये सारी ग्रंथियां जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। कौन सी होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारी ग्रंथियां जो होती हैं वो हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ग्रंथि भी होती हैं जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती हैं, उनको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। और हमारी बॉडी में ऐसी कौन है, वो है अग्नाशय, पेनक्रियास। ये क्या करती हैं, हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए अब मैं आपको एक एक करके डिस्कस करता हूं। सारी जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, उन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है पीयूष ग्रंथि। आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा, पीयूष ग्रंथि हमारी बॉडी में कहां पर होती है, मस्तिष्क में होती है, जैसे डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। मस्तिष्क में रहती है, पहली बात ये क्लियर हो चुकी है। सेकंड बात, पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है और सेल टर्सिका, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। मास्टर ग्लैंड, सेल टर्सिका के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन उत्सर्जित होता है उसको क्या बोलते हैं, एसटीएच हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है, एसटीएच हार्मोन निकलता है। इसे ही क्या बोला जाता है, ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ग्रोथ हार्मोन। देखिए कैसे, क्योंकि ये हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, शरीर की वृद्धि, हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण कौन करता है, ये एसटीएच हार्मोन ही करता है। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये वाला, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछेंगे इससे, तो ध्यान रखिएगा ये ग्रोथ हार्मोन है, एसटीएच हार्मोन। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो वो कौन सी होगी, पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही होती है सबसे छोटी ग्रंथि। अब होता क्या है दोस्तों, एक और हार्मोन होता है एसटीएच हार्मोन, मैंने आपको बताया कौन सा है, ये ग्रोथ हार्मोन है। इसी के नाम जैसा एक और हार्मोन होता है टीएसएच हार्मोन। अब ये टीएसएच हार्मोन जो होता है बहुत कंफ्यूजन करेगा आपको, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं आपको मैं। चलिए अब हमारे सामने कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया उसमें एसटीएच हार्मोन भी और टीएसएच हार्मोन भी है तो हमको डाउट होगा, तो उसको पहले क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए हमको वो हार्मोन फाइंड करना है जो ग्रोथ हार्मोन है, मतलब वृद्धि हार्मोन है, तो वो वाला हार्मोन कौन सा होगा, जो आप देखिए एस का मतलब स्मॉल और टी का मतलब टॉल, ऐसे ध्यान रख लीजिए। तो स्मॉल और टॉल ये सीक्वेंस में होना चाहिए, जो एबीसीडी का सीक्वेंस है, देखिए आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो एस टी जो आ रहा है ये सीक्वेंस है एक एबीसीडी में, तो उसी सीक्वेंस में होना चाहिए हार्मोन में भी। तो एस टी एच मतलब एस टी जो आ रहा है वो फर्स्ट वाले में सीक्वेंस में है, तो यही होगा कौन सा, ग्रोथ हार्मोन। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा तो आपको बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे आप। और टीएसएच हार्मोन जो है, देखिए इसमें टी और एस मतलब एस पहले होना चाहिए था, तो ये सीक्वेंस में नहीं है, मतलब ये कुछ दूसरी बात बोलेगा, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये थायराइड ग्रंथि जो है उससे ये रिलेटेड होता है। तो चलिए मैं आगे आप बता रहा हूं आपको मैं, तो उसमें समझाऊंगा मैं आपको टीएसएच हार्मोन का क्या काम होता है। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो हमारी बॉडी में कहां पर होती है, देखिए ये श्वास नली के जस्ट नीचे होती है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। क्लियर दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ये थायराइड ग्रंथि ही होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है हमारी, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कौन कौन सी होती है, चार मैंने आपको बताइए, पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है और एड्रिनल ग्रंथि होती है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है,
थायराइड ग्रंथि है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है एसएससी 2011 में और एमपीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट दोस्तों ध्यान सुनिए, टीएसएच हार्मोन जिसके बारे में आपको बता रहा था, यही हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, ये टीएसएच हार्मोन। क्लियर? तो थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन उत्सर्जित करती है दोस्तों, ये करती है थायरोक्सिन हार्मोन। क्लियर? तो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है इसका क्या काम होता है, ये सारा चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है इसमें क्या होता है, आयोडीन की मात्रा अधिकतम होती है और इसको क्या बोला गया है, एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर भी बोला गया है। किसको? थायरोक्सिन हार्मोन को। आयोडीन की मात्रा अधिक होती है थायरोक्सिन हार्मोन में, ये क्वेश्चन आईएएस और काफी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या क्या होता है, इसका काम क्या होता है बॉडी में। तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसके साथ मिलकर हमारी बॉडी में जल वाटर का लेवल जो होता है उसका ये क्या करता है, उसको नियंत्रण करता है। कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन दोस्तों ध्यान रखिएगा में कमी आ जाती है तो मतलब आयोडीन की कमी हो जाती है और आयोडीन की कमी से ही कौन सा रोग होता है, गेंगा रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि की। तो आपको जैसा यहां पर डायग्राम में दिख रहा होगा, थायराइड ग्रंथि जो है उसका फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है और उसका थायराइड ग्रंथि का बैक व्यू दिख रहा होगा। तो बैक व्यू में ही दोस्तों पैराथायराइड ग्रंथि होती है, मतलब थायराइड ग्रंथि के पीछे साइड में ही क्या होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है। इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। हमारे ब्लड में कैल्शियम की जो मात्रा होती है उसका नियंत्रण कौन करता है, इस पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। तो अब पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है वो बताऊंगा आपको मैं। अब थायराइड ग्रंथि कहां होती है, पीछे होती है, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। देखिए अब इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है पैराथायराइड हार्मोन और एक निकलता है कैल्सिटोनिन। तो ये दोनों तरीके के हार्मोन इससे निकलते हैं, पर किस कंडीशन में निकलते हैं वो कंडीशन देख लेते हैं। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तब कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब कौन सा हार्मोन निकलता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस हार्मोन के अनबैलेंस होने की वजह से ही क्या होता है दोस्तों, पथरी जैसी बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, पथरी जैसी बीमारी हो जाती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है वो क्या होता है, पथरी ही होता है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनिएगा। ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करती है। कौन सा हार्मोन उत्सर्जित करती है, जीवन रक्षक हार्मोन। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि इससे जो हार्मोन निकलता है वो हमारी बॉडी का बिल्कुल क्या करता है, रक्षा करता है। इस वजह से इसका नाम दिया गया है जीवन रक्षक हार्मोन। देखिए इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मनुष्य के शरीर के रक्तचाप को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो दो पार्ट में होती है। देखिए कैसे आपको ये दिख रहा होगा, सपोज करते हैं कि एड्रिनल ग्रंथि है तो इसका एक पार्ट जो होगा वो होगा कॉर्टेक्स और दूसरा पार्ट जो होगा मेडुला। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं जब हमने दोस्तों उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा था, उसमें हमने किडनी को डिस्कस करा था, वहां पे मैंने आपको बताया था। तो जस्ट किडनी के वहां पर ऊपर ही होती है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, तो इसका जो होता है दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब कॉर्टेक्स वाले पार्ट से जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये हार्मोन निकलता है कॉर्टेक्स वाले पार्ट से। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये वाला हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा को नियंत्रित करता है हमारी बॉडी में। और जो मेडुला वाले पार्ट से जो हार्मोन उत्सर्जित होता है वो होता है एपिनेफ्रिन। और ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है ये, दिल की धड़कन अगर एकदम से बंद हो जाती है तो उसको चालू करने का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये एपिनेफ्रिन हार्मोन ही होता है। क्लियर दोस्तों? एक और ध्यान रखिएगा, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, सेक्स हार्मोन जो होता है वो इसी पार्ट से निकलता है। ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसी से निकलता है। ठीक है, अगला दोस्तों नोट ध्यान रखिएगा, कॉर्टेक्स में अगर दिक्कत आ जाती है तो उससे एक रोग हो जाता है, एडिसन रोग हो जाता है। अगर हमारा कॉर्टेक्स अगर काम करना बंद कर दे तो 2 वीक के अंदर इंसान की मृत्यु हो सकती है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उससे निकलने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। काफी अभी बिल्कुल एग्जाम में पूछ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने आपको बता दिया। अगला दोस्तों हम बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि की, अग्नाशय। ये मिश्रित ग्रंथि है, पेनक्रियास मैंने आपको बताया। दोस्तों ध्यान रखिए अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, जैसे कैसे, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। और इनमें बीटा कोशिका जो होती है उससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा, इंसुलिन नामक हार्मोन।
ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि इंसुलिन क्या है, नमक है कि पानी है कि हार्मोन है कि एंजाइम है, क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंसुलिन नामक हार्मोन कौन सी कोशिका से निकलता है? बीटा कोशिका से। क्लियर दोस्तों? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। और ये डायबिटीज डे जो होता है, मधुमेह दिवस, ये कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं सारे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक के लिए बिल्कुल सफिशियंट है। आपने अगर ये टॉपिक जितना मैंने बताया अगर उतना पढ़ा, आपने अच्छे से समझा, तो आप सारे क्वेश्चंस इसके लगा लेंगे, कोई भी आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा बस उसके प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दो बार उसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और एक बार समझ लीजिए उस चीज को, उसके बाद आप ये टेस्ट लगाइएगा। आपको बिल्कुल 100% है कि आप सारे क्वेश्चन इसके टिक करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? देखिए, मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो देखिए, कौन प्रेरित करता है? टीएसएच हार्मोन प्रेरित करता है, मैंने आपको बताया था। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? देखिए, अंतःस्रावी पूछा है, सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछते हैं तो वो यकृत है बॉडी की, पर अगर अंतःस्रावी में पूछ रहे हैं तो वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो किसमें होता है? थायरोक्सिन में होता है। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि होती है, इसका बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है? देखिए, एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा है ये, तो मैंने आपको बताया था एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है? सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है, उसका कॉर्टेक्स भाग जो होता है वो करता है। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वो होता है एड्रिनल ग्रंथि से। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। इंसुलिन एक है, क्या है? देखिए, नमक, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, तो क्या है? हार्मोन है। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन कौन सी कोशिका से स्रावित होता है? तो मैंने आपको बताया था बीटा कोशिका से स्रावित होता है। तो इसका आंसर लगेगा बी। मानव शरीर में निम्न हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम को विनियमित करता है? तो कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? पैराथायराइड हार्मोन करता है। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। आयोडीन युक्त हार्मोन है, कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन। तो इसका आंसर लगेगा ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहलाता है। तो कौन सा है वो? एड्रिनल हार्मोन है। तो एड्रिनलिन बी आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए, हमने टॉपिक को अच्छे समझा और क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगा लिया और सारे क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही क्लिक करे हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, आराम से ये टॉपिक भी आपका बहुत परफेक्ट हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बिल्कुल सही टिक करेंगे। ये साइंस में ये वाला जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। अगर बायो का जो पार्ट है ये वाला, इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हम टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं, जितने भी अभी मानव शरीर के तंत्र पढ़ते जा रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पाचन तंत्र हम पढ़ चुके हैं, उत्सर्जन तंत्र हम पढ़ चुके हैं, और आज हमने अंतःस्रावी तंत्र भी हमने पढ़ लिया है। तो आने वाले टाइम में एक दो और बचे हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो एक दो क्वेश्चन हमारे आसानी से साइंस के बिल्कुल सही हो जाएंगे।